और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलता है जहाँ से आप अपना फ़ोन या फिर कैमरा जो भी आप लेके घूम रहे हो वो चार्ज कर सकते हैं बहुत ईजी। और ये स्टैंडर्ड मॉडल से ही मिलता है आपको चार्जिंग पोर्ट। रॉयल इनफील्ड कोई कंपनी है वो कोई कंपनी नहीं गाइस, रॉयल इनफील्ड तो 350 cc आपको 2 लाख में दे देगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आज करने वाला है फ्रीडम बजाज फ्रीडम का राइड रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं ये राइड रिव्यू गाइस एकदम प्यार से। बस सिंगल टैप स्टार्ट हो गया। ये जो गियर का पोस्चर है जो स्पोर्ट्स बाइक में होता है वही होने वाला है गाइस, तो मज़ा आएगा गाइस चलाने में। और जैसा कि पावर फील हो रहा है लगभग 9.5 BHP का पावर है और लगभग 10 NM का टॉर्क भी है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। बहुत ज़्यादा बिलो पावर आप फील नहीं करोगे अगर आप स्प्लेंडर से स्विच करते हो इस पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि बाइक चला के। और अगर मैं खींचने का कोशिश करूँ तो ये थोड़ा बहुत घींच भी रहा है गाड़ी, मज़ेदार गाड़ी गाइस। बस ब्रेकिंग के लिए थोड़ा बिलो एवरेज हो गया, जबकि वो भी आप टॉप मॉडल लोगे तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है इस बाइक का, क्योंकि उसमें आपको डिस्क ब्रेक आ जाएगा और इसमें इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम सब वही है, बस सब कंपनी का लिखने का स्टाइल अलग रहता है। तो लगभग 60-40 लगता है आगे वाला ब्रेक, आगे वाले चक्के में लगेगा 40% ब्रेक, पीछे वाले चक्के में लगभग 60% ब्रेक, तो इसके वजह से गाड़ी स्केड नहीं होती है गाइस। और इसका पूरा आपको LED लाइट का सेटअप मिल जाएगा हेडलाइट, जो बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नीचे वो जो दिए हुआ है आगे वाला, तो आप अगर नीचे से इसे उठाना चाहे तो वो भी उठा सकते हैं, या फिर स्प्लेंडर टाइप का गाड़ी से आप आते हैं तो आगे पीछे भी टिप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिधर टैप करोगे तो गियर आगे होगा, नीचे टैप करोगे तो गियर पीछे होगा, तो इजी प्रोसेस है। और इसमें गियर इंडिकेटर नहीं दिए हुआ है गाइस, ये यहाँ पे मेलफिशियन स्विच है, साइड स्टैंड दिए हुआ है, ये CNG पे चल रहा है या फिर इस पर इसका दिए हुआ है, इसका डेडिकेटेड स्विच भी दिए हुआ है गाइस। अगर मैं ये करूँगा तो अब ये CNG पे चले जाएगा, बहुत अच्छा है गाइस ये बाइक। यानी कि लगभग आपको अगर 1 लाख 1 लाख 10 हज़ार में मिल जा रहा है, CNG पर कर दिए थे तो बंद हो गया था, 1 लाख 10 हज़ार लगभग इसका ऑन रोड पड़ेगा गाइस सीतामढ़ी में। और अगर उतना में आपको CNG बाइक मिल जा रहा है लगभग 350 किलोमीटर रेंज के साथ, जैसा कि आप जानते होंगे इसका 2 लीटर का मैक्सिमम आप इसमें CNG भरवा सकते हैं, जबकि इसका टोटल टैंक कैपेसिटी लगभग 12.5 लीटर का है वाटर कैपेसिटी, लेकिन गैस फॉर्म में होता है CNG, इसीलिए थोड़ा सा कम ही आदमी यानी कि कंपनी कम ही कंसिडर करके चलता है। यहाँ पर जैसा कि आप दिए हुआ है आपको देख लीजिए कि मैक्सिमम लोड 3 kg, यानी कि 3 kg तक मैक्सिमम आप जा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना गाइस कि 2 ही kg तक भरवाया जाए इसमें तेल। और इसमें कहीं पे भी फ्यूल गेज नहीं दिए हुआ है, जबकि लगता है कि यहाँ पे फ्यूल गेज रहता होगा लेकिन दिख नहीं रहा है गाइस, फ्यूल गेज होता तो दिखता ना गाइस, तो है नहीं। तो गाइस मैं चलाने में अगर बताऊं तो बजाज का इंजन जैसा कि आप जानते होंगे बहुत स्मूथ होता है, उतना डेंजर इनिशियल नहीं है, लेकिन आप अगर इससे आते हैं तो अच्छा चल रहा है बाइक, स्प्लेंडर से आते तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है बाइक, लेकिन गियर इंडिकेटर दिया नहीं है कि कौन से गियर में बाइक चल रहा है। अब मैं थोड़ा इसको अगर खींचूँ गाइस तो मैं अगर पूरा एक्सीलरेटर पे हूँ और यह मैं 5वें गियर पे, तो गाड़ी स्पीड भी थोड़ा चल रहा है गाइस, ऐसा नहीं बिलो पावर फील बिल्कुल नहीं हो रहा गाइस, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अप्रिलिया RS 457 को भी पीछे कर दिया हूँ गाइस, यानी कि वो चला नहीं रहा है, कोई और मेरा बाइक चला रहा है लेकिन उसको भी मैं पीछे कर दिया हूँ गाइस, तो बहुत अच्छा पावर भी बहुत अच्छा है बाइक में, CNG है
पैसे में, कम पैसे में आपको बेस्ट सामान मिल रहा है, जो काम सिर्फ़ और सिर्फ बजाज ही कर सकता था। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि NS 400 आपको लगभग 2 ही लाख का पड़ता है, और वहीं अगर कोई दूसरा बाइक 400 cc में लेने जाए तो आपको 3.5 लाख से नीचे तो कोई बात ही नहीं करेगा गाइस। तो यही सीन है स्पोर्ट्स बाइक, वो इसको मैं तो कुछ मांगता ही नहीं हूँ, यानी कि ये कोई बाइक नहीं है, जो टट्टी बाइक है। रॉयल इनफील्ड कोई कंपनी है, वो कोई कंपनी नहीं गाइस। रॉयल इनफील्ड तो 350 cc आपको 2 लाख में दे देगा, तो वो अजीब कंपनी है, उसको छोड़ के अगर कोई और बाइक का पास करूँ तब का बात बता रहा हूँ गाइस। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, चाबी भी बहुत स्टाइलिश दिया गया है, अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं चाबी में। और लाइट का थ्रो भी काफ़ी प्यारा है, मैं देखा था थोड़े देर पहले, और LED सेटअप लाइट है, तो थ्रो तो प्यारा होना ही है गाइस, कोई दिक्कत है नहीं। और रेयर मिरर अगर मैं एडजस्ट कर लूँ अपने हिसाब से तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। और हैलोजन इंडिकेटर मिलता है आपको इसमें, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलता है जहाँ से आप अपना फ़ोन या फिर कैमरा जो भी आप लेके घूम रहे हो वो चार्ज कर सकते हैं, बहुत इजी। और ये स्टैंडर्ड मॉडल से ही मिलता है आपको चार्जिंग पोर्ट, तो उसके लिए कोई एक्सेसरी एडिशनल लगाने की ज़रूरत है नहीं, जैसा कि सब बाइक में आता है लगभग, लेकिन सब में एक्सेसरी के तौर पर लगवाना पड़ता है, तो उसमें आपका 1000 रुपया जाता है लगभग, तो वो बच गया गाइस। सब कुछ इसमें देखा गया है कि कस्टमर फ्रेंडली रहे, ताकि बेस्ट बाइक बना सकें बिलो एकदम पार, यानी कि बिलो प्राइस में बेस्ट बाइक दे सके कस्टमर को। जैसा कि आप जानते होंगे 3.5 किलोमीटर का, 350 किलोमीटर का रेंज है 200 किलोमीटर का CNG से 2 लीटर पे, जबकि अगर आप देखिएगा तो लगभग आपको 120 से 130 रुपया में 200 किलोमीटर अगर ये रेंज निकाल के दे दे रहा है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं गाइस। तो और उसके बाद 150 किलोमीटर का यानी कि 125 सीसी का इंजन है, लगभग 9.3 BHP का पावर जनरेट करता है, 9.7 Nm टॉर्क के साथ, तो बहुत बेस्ट बाइक है गाइस ये। और हैंडलिंग तो बहुत प्यारा है गाइस, बहुत प्यारा। पूरा पावर इसका दिखाऊंगा इसको, ये मैं पूरा रेव पे हूँ और ये गाड़ी भागा जा रहा है लगभग, हमको लगता है कि 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मैक्सिमम इसका गेन करेगा ये बाइक, उससे कम आप अगर चलाना चाहें तो 100 km/h पर आवर आराम से निकाल सकते हैं इस बाइक से गाइस। इसका स्पीड पता चल रहा है गाइस, इसका पावर पता चल रहा है, फील हो रहा है कि हाँ ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बाइक चला रहा हो, ऐसा नहीं। हॉर्न भी बहुत पावरफुल है गाइस, बहुत अच्छा हॉर्न है। और ये मीटर 0 क्यों दिखा रहा है गाइस, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अभी ये टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश की है, तो फ्यूचर में जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल होने वाला है वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल को वो निकाल के दिए। तो अपना यानी कि देखिए ये जो RJ बजाज है ये बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है सीतामढ़ी में, एकदम बेस्ट। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी तो दीपावली और नवरात्रा का स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, लगभग 5000 रुपया डिस्काउंट, तो इसका 94,995 रुपया जो इसका एक शोरूम है उसमें 5000 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा गाइस, तो लगभग ये समझिए आपको पड़ जाएगा वही 90,000। और उसके बाद 10,000 रुपया RTO इंश्योरेंस ये सब लेते लेते तो बहुत कम हो जाएगा गाइस प्राइस, लगभग 1 लाख में ये बाइक आपको ऑन रोड आ जाएगा, और आपको हेलमेट भी दे देगा। तो गाइस अगर मैं ओवरव्यू दिखाऊँ आपको चारों तरफ से घूम के इस बाइक का, तो ये ड्रम ब्रेक है, 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है गाइस आपको, मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, एडजस्टेबिलिटी नहीं है इसमें, और 125 सीसी का ये पावरफुल इंजन, IMS ब्रेक, तो इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम, और ये आपका रहने वाला है मीटर कंसोल, सब दिखा रहा है गाइस। और जैसा कि आपको दिखेगा ये पेट्रोल पे चल रहा है, इसीलिए CNG अभी है नहीं इसमें, तो इसीलिए तो गाइस
साला आप लोगों का रिव्यू बनाने के चक्कर में झांट मेरा बाइक का वैसे गांव मरा जा रहा है गाइस। हैंडलिंग बहुत प्यारा है और अगर मैं इसका दिखा दूं आपको टैंक यानी कि कैसे फ्यूल भराता है, तो यहां से भराएगा आपको सीएनजी, यहाँ से आपको सीएनजी भरा जाएगा गाइस और यहाँ से पेट्रोल भरा जाएगा है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा पेट्रोल फ्रॉम स्लोली फिल पेट्रोल फ्रॉम लेफ्ट साइड स्लोली, यानी कि धीरे धीरे पेट्रोल भरना है क्योंकि इस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और जैसा कि आपको सिलेंडर का आईडी यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, इंस्टॉलेशन डेट कि कब ये सिलेंडर इंस्टॉल हुआ, तो 17/9/2024 को ये सिलेंडर इंस्टॉल हुआ है। वाटर कैपेसिटी लीटर में, यानी कि कितना लीटर तक मैक्सिमम ये जो अपना सीएनजी का सिलेंडर है वो भरवा सकता है, तो वही 12.5 लीटर के लगभग गया। कि फोर्थ नंबर पर आपको दिख रहा होगा लास्ट रीस टेस्ट डेट 9/2024, यानी कि बाइक डिलीवर करने से पहले यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया बाइक का, क्योंकि अभी ये रजिस्टर्ड व्हीकल नहीं है तो इसी वजह से नहीं लिखा गया है। और ये बहुत हल्का बाइक है गाइस, मुझे लगता है लगभग इसका 125-26 केजी कब वेट होगा इस बाइक का, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं गाइस। और ये बजाज का ब्रांडिंग दोनों साइड। चलो चलो ये आपको दिख रहा होगा पासिंग लाइट, और ये हाई बीम लो बीम के लिए स्विच दिया गया है। बहुत अच्छा क्वालिटी है स्विच का भी, बहुत अच्छा फील भी है। ग्रिप अगर आप देखें तो बहुत अच्छा ग्रिप भी है बाइक का। करने में भी चलाने में भी बहुत अच्छा चल रहा है बाइक गाइस, इतना स्मूथ चल रहा है ना, मैं बोल सकता हूँ कि स्प्लेंडर ये वाला फील आपको नहीं दे पाएगा गाइस, क्योंकि ये 125 सीसी का इंजन है। इसकी वजह से आप जब जो लो एंड टॉर्क पे इस गाड़ी को चलाएगा तो आपको फील होगा, थोड़ा सा पावरफुल फील होगा, और हाई एंड पर आपको टॉप एंड भी निकाल के देगा तो ये बेस्ट है गाइस। आपको 125 सीसी से कम बाइक लेना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा गाइस, सस्पेंशन का भी अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ा और ख़राब रोड में हम लोग इसको लेके जाएंगे तब मैं अगर बताऊं, अभी तक तो सस्पेंशन एकदम, जबकि जैसा कि आप जानते हैं आगे का भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। और पीछे का मोनोशॉक है तो वो तो आपको पता चलना ही नहीं देगा, मोनोशॉक से ज़्यादा सक्सेसफुल सस्पेंशन अभी तक कोई बना ही नहीं गाइस। जैसा कि आप जानते होंगे कि लो क्वालिटी में इस सस्पेंशन का कोई जोर ही नहीं है। और ये अपना पहला बाइक होने वाला है सीतामढ़ी में जो राइड के लिए निकला है, वो मैं ही चला रहा हूँ गाइस सीएनजी, और वही अपलोड होगा वीडियो गाइस। और अगर मैं बात करूँ इसके मिरर्स की तो उसका भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है गाइस, मिरर का व्यू बहुत प्यारा है जैसा कि, और हैंडलिंग का तो कोई जोर ही नहीं, बहुत प्यारा हैंडलिंग। अरे टेलीस्कोपिक है भाई, बहुत प्यारा सस्पेंशन। हाँ पीछे लुक बहुत तगड़ा आ रहा है, लग नहीं रहा है 125 का गाड़ी वो आ रहा है ना, सब आ रहा
बहुत प्यारा है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आदमी सब भी बोल रहा है कि लग नहीं रहा है कि 125 सीसी का बाइक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि ये अभी टेस्टिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा बाइक बनाया है गाइस। बजाज ने इस पर बहुत बेस्ट काम किया, जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ। 04 NG04 मॉडल नंबर है इसका, और बजाज फ्रीडम, बजाज इसको ओन करती है, बजाज फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत अच्छा। और इसका एक और मॉडल आता है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक भी आएगा गाइस, तो बहुत अच्छा बाइक है। तो गाइस यही था राइडर रिव्यू, तो हमारे चैनल से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोग को बताएं कैसा लगता है ये वीडियो। थैंक यू गाइस, पीस आउट।